हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं एक आर्टिकल लिख रही थी wordpress.com से पढ़ाई करके। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करती हैं, तो मैं सोच रही थी आज इसी पे एक वीडियो बना लेती हूँ। ऐसी साइट जिनसे मैं कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ती हूँ, तो उनका मैं आपको सजेशन देने वाली हूँ अभी। तो इन सारी वेबसाइट में विकीपीडिया तो आप सभी जानते होंगे, विकीपीडिया फ्री से इंसाइक्लोपीडिया है। सारी वेबसाइट में एक सबसे पॉपुलर वेबसाइट है जो आप सबको पता होगी, वो है विकिपीडिया। कुछ भी आप सर्च कीजिए, सबसे पहले फ्लैश होता है विकिपीडिया का आर्टिकल। वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, आपको जो टॉपिक सर्च करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। तो विकिपीडिया जो है सबसे पहले फ्लैश होता है हमारे मोबाइल में। विकिपीडिया से अलग कुछ और इम्पॉर्टेंट ऐसी साइट्स हैं जो आपको स्टडी में हेल्प कर सकती हैं, या जिनके आर्टिकल मैं रीड करती हूँ। मैं यूजुअली मैं विकिपीडिया का रीड नहीं करती, क्योंकि अगर हम कुछ किसी उससे आर्टिकल से चुरा रहे हैं, चुराने कहते हैं इसे, जब हम किसी कोई टॉपिक लिखने वाले हैं तो हम इधर उधर से हेल्प लेते हैं, तो हेल्प लेते हैं तो उनको भी विकिपीडिया से उसको कैच करना और सिमिलैरिटी मैच करना आसान होता है। तो इसलिए और उससे अलग मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो हमें हेल्प करती हैं आर्टिकल लिखने में। तो विकिपीडिया से अलग एक है विवेस पैनोरमा है, ये यूपीएससी की वेबसाइट है। एक दृष्टि आईएएस है, ये भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, तो इनका आर्टिकल मैं पढ़ती हूँ। एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक भी यूपीएससी और एसएससी की प्रिपरेशन कराता है। जो भी यूपीएससी की साइट्स हैं वो वैसे काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, उनसे आपको किसी मैटर को रीड करने में, और उसको कॉपी पेस्ट तो खैर नहीं करना है, थोड़ा बहुत चेंज करके लिखना चाहिए हमेशा अपने आर्टिकल में, लेकिन वहाँ से पढ़ने में हेल्प हो जाती है। कोई कंटेंट है ना, जो कोचिंग वाले होते हैं ये बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो इसलिए मैं किसी कोचिंग की वेबसाइट पे चली जाती हूँ और मैं वहाँ से उस आर्टिकल को रीड कर लेती हूँ। कोई भी पर्टिकुलर आप आर्टिकल वहाँ पर टाइप कीजिए, वो निकल के आ जाएगा सब। मैं दृष्टि आईएएस का बहुत पढ़ती हूँ। तो इनसे अलग भी ब्रिटेनिका और बीबीसी जो हैं, bbc.com, इन पे भी बहुत अच्छे जानकारी होती है, बहुत अच्छे से लिखते हैं ये, अपना कंटेंट बड़े अच्छे से तैयार करते हैं। उसमें कॉन्क्लूजन भी होता है जो हमें अपना कॉन्क्लूजन निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इससे अलग है एक भारत कोश, जैसे wikipedia.com है ऐसे bharatkosh.com है। ये शायद इंडियन पोर्टल है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन भारत नाम है तो मुझे लगता है ये इंडियन पोर्टल है, विकिपीडिया की तरह ही है। उस पर भी बहुत जल्दी से कोई जानकारी फ्लैश होके आती है। इनसे अलग भी जैसे एक wordpress.com है, वर्डप्रेस बहुत अच्छा आर्टिकल बनाता है, मुझे बहुत ही पसंद है wordpress.com। इतनी डिटेल में देते हैं और एक प्रोफेशनल राइटिंग होती है इनकी, मतलब दिखता है हर वर्ड में सीनियोरिटी होती है बहुत अच्छी, वहाँ से पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और एक बीजेपी ई लाइब्रेरी, अगर आपने कभी सर्च किया हो, कोई बुक सर्च की हो तो आप देखोगे बीजेपी ई लाइब्रेरी खुल के आती है, उसमें से भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हम पढ़ सकते हैं बैठे बिठाए। जब मैं कोई आर्टिकल पढ़ती हूँ तो मैं यूजुअली अगर किसी स्टेट के ऊपर पढ़ रही हूँ तो मैं उसे स्टेट की वेबसाइट पे चली जाती हूँ, या फिर हमारे जो एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारा विदेश मंत्रालय है, वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। अगर किसी किसी स्टेट की और किसी जगह की हमें जानकारी लेनी है तो कई बार ऐतिहासिक जानकारियाँ भी वहाँ पर मिल जाती है, तो मैं ये भी सर्च कर लेती हूँ। NCERT तो खैर बहुत ही सबको जानते भी हैं सब, और बहुत अच्छा बेस्ट है NCERT। कोई भी अगर आप टॉपिक सर्च करते हैं और NCERT का PDF या आर्टिकल निकल के आ जाता है, तो सबसे पहले आपको उसी पे जाना है, विकिपीडिया से और इन सारी दृष्टि आईएएस वगैरह से भी पहले NCERT अगर आपको मिल जाता है तो सबसे पहले NCERT पढ़ना है। सेकेंड नंबर पर फिर आप किसी कोचिंग की वेबसाइट पर जाइए। थर्ड नंबर जो मेरा फेवरेट है wordpress.com, इस पर। और अगर उससे भी बड़ा आपको कोई और स्टैंडर्ड लेवल का लिखना है तो एक रिसर्च गेट वेबसाइट है, एक shodhganga.inflip.net है, ये दोनों रिसर्च के लिए हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, shodhganga.inflip.com। ठीक है, इसको पूरा भी नहीं लिख सकते अगर डॉट इन करके, तो आप खाली shodhganga लिख दीजिए। और एक है रिसर्च गेट, इन दोनों को मैं बहुत सर्च करती हूँ, इनके आर्टिकल में रीड करती हूँ। और तीसरा रिसर्च के लिए है रेयर बुक सोसाइटी ऑफ इंडिया। आर्काइव से भी ले सकते हैं, सीधा आर्काइव सर्च करके उस पर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उस पर ना इंग्लिश की बुक्स ज़्यादा है, मुझे उस पर हिंदी की कम मिलती है। तो जो इंग्लिश की सर्च करते हैं उनके लिए तो खैर बहुत अच्छी अच्छी और भी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि वो फॉरनर लिंक होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया की में मुझे यही सही लगती हैं जिनमें मतलब हिंदी मुझे आसानी से मिल सके, जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं कोचिंग वाला। और wordpress.com पे भी हिंदी का काफ़ी मैटर मिल जाता है। तो ये मेरी कुछ फेवरेट वेबसाइट्स हैं जिनको मैं जिनके आर्टिकल वगैरह मैं पढ़ती हूँ, जिन पे मैं कोई भी अपना टॉपिक सर्च करती हूँ। फिलहाल भी मैं एक पढ़ रही हूँ अलबरूनी का, मुझे कुछ लिखना है एक आर्टिकल, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस पर कैसे डिटेल्स होती हैं। ये देखिए, जैसे मैंने अभी इस पर ये वाली लाइन रीड की थी,
देखिए मेरा, जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है ये, इसका अलबरूनी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वह ख्वारिज्म में छोड़कर चला गया और कुछ समय तक जुर्जन में। अब ये जुर्जन क्या है, ये वाकई कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका डिटेल दी हुई है, जो कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित था। बस यही चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है wordpress.com, क्योंकि इस पर डिटेल बहुत अच्छी होती है। तो जानकारी ऐसी नहीं है कि बस काम निपटाना है, वेबसाइट बना लिया, पोर्टल खोल लिया और छोटी मोटी जानकारी दी और काम खत्म। ये बड़े डिटेल में देता है, यहाँ से मुझे आर्टिकल रीड करने में बड़ी आसानी होती है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और ऐसी ही कुछ और जानकारियों के लिए आप मेरे दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दिशा विद्यांजलि। अब उस पर मैं इसी तरह से वीडियोज़ बनाऊंगी, अभी तक मैं सिर्फ बुक सजेशन दे रही थी, पर अब मैं और उस पर अच्छे से एक्टिव हो गई हूँ, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, कुछ बुक सजेशन ले सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।